आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर कुछ हमने पेजेस छुड़वाए थे आपके, अब उससे आगे हमने एडजस्टमेंट 5 कर चुके हैं हम। अब छठे एडजस्टमेंट की बात करेंगे जो कि पांचवा था बैड डेट्स। अब आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स बोल दें हम, या रिजर्व फॉर बैड डेट्स। इंपॉर्टेंट है काफी, और इसको पहले हम समझेंगे कि भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, और ध्यान से आपको सुनना है। आप एक बार समझ जाओगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मान लो बैड डेट्स क्या होता है हमारा, डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब होता है संदेह, जो हम 100% श्योर नहीं होते उसको डाउटफुल बोलते हैं, कि अभी हमें लगता है होगा भी और नहीं भी होगा। तो मान लो कि मेरा डेटर, डेटर कब बनेगा बता सकते हो क्या? जब हम उधार माल बेचेंगे। 1 लाख रुपए का डेटर है, 1 लाख रुपए का डेटर है। अब मैं यहां पे कितने डेटर है उसके मैं बता देता हूं। ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ये 10 डेटर हैं, ठीक है? और ये बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन है जिसे मैं दुकानदार का नाम दूंगा। अब ये क्या करता है, अपने से जो भी इससे उधार मांगने आता है सबको उधार देता है। अब इसने पूरे साल में टोटल 1 लाख रुपए का उधार माल बेचा है। 1 लाख में मैंने यहां पे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे 10 डेटर बना दिए। हर किसी को इसने बराबर बराबर उधार माल बेचा है। तो मैं अगर पूछूं कि बताओ ए को कितना उधार माल दिया है, 10,000। यानी आपको आंसर यहां पे मैंने जो पूछा आपने बड़े ही आसानी से जवाब दे दिया कि 10,000। और मैं पूछूं जे को, यानी ईच एंड एवरी पर्सन जो भी है उसको 10,000 का उधार माल दिया है। हुआ क्या, मान लेते हैं ए जो है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ये मैं 2018 की बात कर रहा हूं, सारी इंफॉर्मेशन मैं 2018 की दूंगा। मान लेते हैं कि जो जेड ए है, ए का कोई फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई रिलेटिव है, कोई नहीं है। एक कार ड्राइव करके जा रहा था अपने घर, एक्सीडेंट हो गया और दुर्भाग्यपूर्ण उस दुर्घटना में इसकी डेथ हो गई। उस एक्सीडेंट पे उसका डेथ हो गया। क्या? कोई नहीं है, ठीक है? कोई नहीं, आप उसकी चिंता मत करो, उसका क्या करेंगे नहीं करेंगे उसके ऊपर दुख नहीं ज्यादा करना। बस मैं बता रहा हूं कि इसका है नहीं कोई और इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अब मिस्टर राम, राम जो है, राम क्या, राम को ये बात पता चला कि अरे ए का तो डेथ हो गया। डेथ होने के बाद राम क्या ये 10,000 रुपए कहीं से रिकवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लॉजिक लगाया और राम ने लॉजिक लगाया और उसको बहुत देर बाद समझ में आया कि भाई मुझे एक बात पता चली कि मुझे ए से 10,000 रुपए नहीं मिलेगा। इसको सोचने के बाद पता चला ए से 10,000 नहीं मिलेगा। क्या इसके माइंड में किसी कोने में चल रहा था ये बात, क्या पता मिल जाए? नहीं। कहाँ, कैसे? हाँ, बहुत देर बाद पता चला। तो इसके माइंड में कहीं भी ये चल रहा था, लग रहा था पता चलने के बाद कि शायद ये मुझे मिल जाएगा। अब मतलब सोच ही नहीं सकता क्योंकि उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, किसी से मांग नहीं सकता। यानी इसका कॉन्फिडेंस इस 10,000 को डूबने के ऊपर, जो डूबा है इसका कॉन्फिडेंस 100% है कि ये पैसा नहीं मिलेगा। पूरा 100% श्योर है कि ये पैसे इसको नहीं मिलने वाले किसी हालात में। चलो भाई ये पैसे नहीं मिलेगा, तो राम बोलेगा अब मेरा डेटर नहीं रहा, अब ये मेरा डेटर जो था वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया है, और 10,000 रुपए चले गए। क्यों गया? क्योंकि जो इसका एक डेटर था ए, अब वो नहीं रहा, अब बच गए 90,000, ठीक है? तो
जो हमारा एक डेटर था ये 90,000 रुपए रह गया। अब 90,000 रहने के बाद अब राम थोड़ा सा क्या होगा, डर जाएगा, बोलेगा यार ऐसे तो बहुत लोगों को उधार दे रखा है, अगर इसमें से और भी कुछ डिफॉल्ट हो गए या कोई पैसे देने से नहीं दे रहा, कोई लेके भाग गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सारा खराब हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। मुझे लगता है कि जो ये 9 डेटर हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इन 9 डेटर पे कि ये मुझे पूरा पेमेंट शायद ना दे। एक को तो हटाई दिया, निकाल दिया भाई इसको, तो ये तो कंफर्म ही है। तो जो 9 डेटर है टोटल 90,000 है, 10-10 हजार, वही मैंने 90 लिखा। अब मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ क्या पता देगा क्या पता नहीं देगा। अब मुझे लगता है कि इसमें से 8-10 हजार रुपये फिर डूब सकता है, तो मैं पर्टिकुलर डूबने से पहले किसी को ब्लेम कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ई मुझे लगता है तुम पैसे नहीं दोगे। अगर ऐसा बोल दिया तो उसका मतलब तो भाई वो तो गया ही, बोलेगा तुम्हें लग रहा है तो सही लग रहा है, अब मैं दूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अब ये इनको नहीं बताएगा, यहाँ पे ये परसेंटेज टर्म्स में सोचेगा, ये सोचेगा कितने परसेंट, इसने अजम्पशन लिया कि लगता है मुझे कि मेरा 10% और पैसा डूब सकता है, मुझे फील हो रहा है कि मेरा 10% और पैसा डूब सकता है, और जो डूब सकता है इसके डाउट है इसे कि शायद मेरा 10% पैसा डूब जाए, तो उसको बोलेंगे डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल का मतलब समझ में आ रहा है, कंफर्म नहीं है। डेब्ट्स का मतलब बैड डेट्स। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, इसे कब लगता है कि मेरे पैसे डूब जाएगा, साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर, कभी ना कभी तो लग ही रहा है। साल के एंड में इसे लगता है कि 31 मार्च आते आते मेरे ये पैसे डूब सकते हैं, साल के अंत में तक पता लग रहा है इसे, तो एक तरीके से फ्यूचर का लॉस अभी सोच रहा है ये। तो आप बताओ जब कभी भी ऐसा फ्यूचर का लॉस और हमें आज ही डाउट होने लग जाए तो उसको हमें आज लिख लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ये हमारा एक अजम प्रिंसिपल भी था, कौन सा, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, याद होगा। तो इसने वही सोचा कि 10% लगता है, तो एक काम करते हैं ना, 10% इसमें से माइनस कर देते हैं। फिर क्वेश्चन रेज होता है, सर इस पे 10% क्यों कर रहे हो आप, एक बार 1 लाख पे करो ना 10% पूरे पे डाउट। मैंने बोला भाई कि मैं इस 9 लोगों पे डाउट करूं या इसके ऊपर भी डाउट करूं, 9 लोगों पे डाउट करना है, इसके ऊपर तो डाउट करने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर मैं 1 लाख रुपए पे 10% निकालू तो इसका मतलब मैं 10ों पे डाउट कर रहा हूं, जो कि लॉजिकली गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई लॉजिकली, जब एक है ही नहीं, एक से लेना ही नहीं है, 100% श्योरिटी है, तो जो बचा है उसके ऊपर डाउट करेंगे ना। तो मैंने इसके ऊपर डाउट किया, बचे कितने मेरे 81,000। अब ये बताओ ये जो डाउट था ये क्या बैड डेट्स होगा या हो सकता है, हो सकता है। चलो हमने 2018 का P&L बनाया और राम ने सोचा चलो अब कोई गलती नहीं होगी मेरे P&L में, इसने यहां बैड डेट्स लिखा, 10,000 तो डूब ही गया, और ये अंदाजा है डूब सकता है, तो इसको भी खर्चे को आज ही रिकॉर्ड करो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9,000 ये हुआ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आ गया 2019, नेक्स्ट ईयर आ गया, क्या 2019 आते आते इसे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मेरे कितने पैसे डूबे हैं। हमने 31 मार्च तक सोचा था डूबेगा, अब 31 मार्च के बाद जितने डूब गए ठीक है, नहीं डूबे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो प्रॉफिट था, मुझे ध्यान से देखना, इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट था यहां पे, वो ग्रॉस प्रॉफिट था इसका 50,000। अब जो डाउट कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और अब इसके पास कितना आया, 40, 40 में से 9 गए, बचे कितने 39 31, 31,000 प्रॉफिट ये है, सोच रहा है इस बार मैंने 31,000 प्रॉफिट कमाया है, इस बार 31 कैसे, 50,000 वो, 10,000 मेरे तो डूबी गए और 9,000 मुझे डाउट है। लेकिन 2019 में, 2019 में इसको पता चला, यार मैं पिछली बार सोच रहा था तुम सब पैसे नहीं दोगे, लेकिन इस बार क्या हुआ, सिर्फ इस 9 में से 4,000 रुपए नहीं आया, बाकी सारे पैसे आ गए। यानी 2019 में इसको क्या पता लगा कि कितने इसको मिल चुके हैं सारे, यानी कितने नहीं मिले, सिर्फ 4,000। तो यानी बैड डेट्स कितना हुआ, 4,000, और हम सोच के कितना बैठे थे, 9,000।
फिर मैं 2019 में सोच रहा हूँ, यार पिछली बार तो गलती कर दी हमने पीएनएल में। क्या गलती कर दी हमने पीएनएल में? हम सोच रहे थे 9,000 डूबेगा, लेकिन डूबा कितना? 4,000। पिछली बार मैंने अपने पीएनएल में ज़्यादा बैड डेट्स दिखा दिया है, तो अजम्पशन में तो कम ज़्यादा होगा ही भाई, तो ज़्यादा दिखा दिया। पिछली बार मैंने प्रॉफिट को कम कर दिया है 9,000 से, जबकि पिछली बार कम कितने से होना चाहिए? 4,000 से कम होना चाहिए। अब इस गलती को सुधारना है। कब सुधारना है? 2019 में। 2019 में मेरा प्रॉफिट आया, मान लेते हैं जीपी आया 60,000, तो सॉरी 2019 का जीपी आपका आया 60,000 रुपए, सपोज दैट। अब पिछले साल का प्रॉफिट 2019 में आके मैं बोल सकता हूं जी ये प्रॉफिट गलत है, 2019 में आके बोल सकता हूं। 18 तक क्या था? सही था। 18 तक हमें कंफर्म नहीं था, तो 18 तक सही था। 2019 में बोल रहा हूं भाई ये गलत है, ये प्रॉफिट हमारा गलत है। अब 2019 में ऐसा क्यों बोल रहा हूं बता सकते हो क्या? क्योंकि यहां पे -4,000 करना चाहिए था, जो कि मैंने 9,000 करा है भाई। अब 2019 का अगर आपको लगता है 2019 में जाके कि 2018 का गलत है, तो उस गलती को ठीक करो ना। इस साल में क्या गलती है वो ढूंढो। इस साल में मैंने खर्चे ज्यादा माइनस कर दिया। अगर खर्चे ज्यादा माइनस कर दिया, इसका मतलब आपने प्रॉफिट कम दिखाया है, यही तो हुआ। अगर मैं यहां 4,000 दिखाता तो मेरा प्रॉफिट आता 36,000, यानी पिछले साल आपने कम प्रॉफिट माना है। अब ज्यादा कर लो भाई, सही तभी हो सकता है ना, पिछले साल कम प्रॉफिट गलती से दिखाए, अब ज्यादा कर लो। तो कितने से ज्यादा करना चाहिए इस साल के प्रॉफिट को? 5,000। रीजन क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपए के हमने जो खर्चा माना था वो खर्चा हुआ ही नहीं, तो इस साल इनकम मान लो आप। पिछली बार आपने डेबिट किया था, इस साल क्रेडिट कर दो। डेबिट क्रेडिट अगर सेम अमाउंट से हो जाए तो काम ही खत्म हो जाता है हमारा। तो अब इस साल मैंने दिखा दिया 65,000, और इसके बाद टू बी कंटिन्यू चलता रहा। तो पहले बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? पता चला जिस साल हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं उस साल प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड दिखाते हैं? डेबिट, क्योंकि खर्चा है। लेकिन अगर पिछले साल का अगर हमें इस साल पता चले कि कम या ज्यादा हुआ, तो उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करके क्या मान लेते हैं? एक इनकम। आप मुझे बताना इस साल में 2019 में आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा 18 वाला, वो पीएनएल के क्रेडिट में रहा होगा या डेबिट में रहा होगा? पीएनएल के क्रेडिट में रहा होगा। क्यों रहा होगा भाई पीएनएल के क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस में? क्योंकि ये पिछले साल हमने ज्यादा दिखाया था, अब सही करने के लिए हमने कहां दिखाया होगा? क्रेडिट में दिखाया होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? करंट ईयर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एक्सपेंस, बट नेक्स्ट ईयर में वो इनकम बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि उतना बैड डेट्स नहीं होता। अब क्वेश्चन रेज होता है, सर 8,000 आपने 9,000 माने थे, सपोज 10,000 हो जाता तो क्या करते? 1,000 बढ़ भी तो सकता था। तो कोई बात नहीं, अब पीछे की कोई गलती नहीं है, पीछे बस 1,000 कम दिखाया है, इस साल 1,000 ज्यादा दिखा देंगे, क्या ठीक हो जाएगा मेरा? अब बोलोगे सर अगर 9,000 ही होते तब तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं बनता भाई, सेम ही रहता, 9,000 दिखाया, 9,000 बैड डेट्स हो गया तो ये। लेकिन आपसे एग्जामिनर हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर अभी कभी भी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखता है, तो इसका मतलब ये इस साल का नहीं है। ये कौन से साल का है? पिछले साल का, लास्ट ईयर का। और जो लास्ट ईयर का है, इस साल अगर आ रहा है तो आने का रीजन क्या है? वो इनकम बन चुका है, क्योंकि पिछले साल हमने ज्यादा खर्चा दिखाया होगा, इस साल आएगा इनकम। और करंट ईयर के में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां दिखेगा? क्रेडिट में या डेबिट में? क्रेडिट में दिखेगा। समझ में आया? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सबसे पहले बताओ बैड डेट्स माइनस करना चाहिए या प्रोविजन? पहले बैड डेट्स क्यों माइनस करना चाहिए, फिर क्या माइनस करना चाहिए? प्रोविजन। अब 81,000 सारे डेटर कौन से हैं? ये सारे डेटर वो हैं जो कि कैसे डेटर हैं? बिल्कुल गुड डेटर हैं, ये एकदम परफेक्ट डेटर, इस पे तो डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो बेकार गंदे डेटर थे उनको मैंने निकाल दिए। अब ये सारे गुड डेटर हैं। अब मैं डिस्काउंट की बात करूंगा। मैंने बोला सारे जितने अच्छे लोग हैं वो आ जाएं और अपना डिस्काउंट मैं दूंगा इस बार। इसने बोला, राम ने अनाउंसमेंट करा कि मैं इस बार क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा। तो बताओ 1,00,000 पे डिस्काउंट देना चाहिए, 90,000 पे देना चाहिए,
या फिर 81 पे, 81 पे देना चाहिए, क्योंकि किसको डिस्काउंट दिया जाएगा, गुड डेटर को। अब इसको जो मर गया उसको डिस्काउंट देके मैं क्या करूंगा, कोई फायदा नहीं हो, तो पूरा ही डूब गया। अब जो मेरा बैड डेट्स हो रहा है, मेरा प्रोविजन डाउटफुल डेट से, उसको डिस्काउंट देके क्या करूंगा, वो तो वैसे ही पूरा डिस्काउंट में भाग गया लेके मेरा। अब जो बच गया उस पर डिस्काउंट, तो सीक्वेंस देखो, सबसे पहले बैड डेट्स माइनस होते हैं, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होता है, लास्ट में डिस्काउंट माइनस होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन होगा तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, लेकिन एडजस्टमेंट में होगा तो हमेशा डेबिट में जाएगा वो। तो हम वही देखना चाहते हैं, हमारा टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर दे रखा हो तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो दो जगह हो सकता है, कहाँ कहाँ दो जगह हो सकता है, या तो हो सकता है बताओ एडजस्टमेंट में या ट्रायल बैलेंस में, यही तो दो जगह है, या हो सकता है हमारा एडजस्टमेंट में। हाँ जी, एडजस्टमेंट में, या हो सकता है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में हो सकता है। चलिए जी, अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ तो कहां होगा, क्रेडिट में, तो इसे हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। कहां शो करेंगे, क्यों करेंगे भाई, पुराना होगा, पिछली बार मैंने ज्यादा खर्चा दिखा दिया होगा, इस साल हमें सही करके इनकम दिखाना है। लेकिन एडजस्टमेंट में तो करंट ईयर का ही है, तो करंट ईयर में तो हमें खर्चा मानना ही है। तो अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में क्यों जाएगा भाई, डबल एंट्री, लेस फ्रॉम, लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम कहां से, किससे होना चाहिए बताओ, डेटर से। अभी मैंने माइनस करा था ना, किस में से किया था याद करो, डेटर में से। और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो इस साल का अंदाजा है, एडजस्टमेंट जो होगा वो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा, वो हमेशा करंट ईयर की बात करेगा। तो हमें इस साल अंदाजा लगाना है कि इतने पैसे डूब जाएंगे, तो मुझे कहां दिखाना चाहिए, पीएनएल के, अंदाजा लगा लिया, ये रहा अंदाजा मेरे पास, और ये मेरा खर्चा हो सकता है, तो मैं कहां दिखाऊं, पीएनएल के डेबिट में। तो ये इस साल का है, पीएनएल के डेबिट में आ गया। और ट्रायल बैलेंस में पिछले साल अंदाजा लगाया था लेकिन वो हो नहीं पाया, तो इस साल क्या बनेगा इनकम, तो ये कहां जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में। तो देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो पी एंड एल के क्रेडिट में, लेकिन एडजस्टमेंट में हो तो, अब बताओ बैलेंस शीट लेस फ्रॉम डेटर है तो डेटर में से माइनस हो रहा है, एसेट्स में से माइनस, तो क्रेडिट हो गया, और एक क्या हो गया, रूल हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। समझ में आया क्या ये? अब एक बार फटाफट सिक्स नोट करो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करेंगे सेवन, सिक्स नोट करिए आप। अब हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है क्लियर है, उसके बाद बैड डेट्स क्या होता है वो भी समझ गए, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी समझ गए हम, डिस्काउंट किसको दिया जाता है सीक्वेंस भी समझ गए, पहले बैड डेट्स, फिर प्रोविजन, फिर लास्ट में डिस्काउंट, क्यों लॉजिकली भी मैंने बता दिया कि भाई इस तरीके से होना चाहिए। अब एडजस्टमेंट में मान लो पहले देता है आपको प्रोविजन, फिर देता है बैड डेट्स, फिर देता है डिस्काउंट, तो पहले क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स। एडजस्टमेंट में ऊपर नीचे कहीं भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। तो अब देखो, जब तीनों इकट्ठा आ जाए तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अगर तीनों पॉइंट एक साथ ही देखने को मिले, तीनों पॉइंट एक साथ देखने को मिले, तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, तब तो और आसान हो जाएगा। आप बस भगवान से प्रार्थना करो कि पेपर मुश्किल आए, और हम उस क्वेश्चन को करके आए, बाकी छोड़ के आए, बस ये होना चाहिए, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे। अब देखो इसके अंदर, देखो सबसे पहले मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूंगा, एक हो सकता है ये गिवन हो ट्रायल बैलेंस में, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बोर्ड पे, एक हो सकता है ट्रायल बैलेंस में, एक हो सकता है एडजस्टमेंट में, अब तीनों की मैं बात कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में अगर तीनों गिवन हुआ, क्या क्या तीनों गिवन होगा उसको एक बार मैं लिस्ट बना देता हूं। हो सकता है आपके ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, इसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं।
हो सकता है आपका हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और हो सकता है आपका बैड डेट्स हो सकता है आपका बैड डेट्स हो, ये तीनों। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारा जो ट्रायल बैलेंस में होता है उस ट्रायल बैलेंस को हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही एंट्री ट्रांसफर करते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो हमें सिंपल पता है कि हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑल दो सारी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड, क्रेडिट साइड, अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है, सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के, आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड ही जाएगा, क्योंकि ट्रायल में पुराने वाला गिवन होता है। इसके बाद बैड डेट्स हो तो ये तो श्योर है एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, बट जाएगा ये डेबिट साइड। मेरे हिसाब से आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रेडिट, और बट बैड डेट्स कहाँ जाएगा, डेबिट। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में होता है तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहां क्रिएट होता है। तो अभी भी मैं एक एग्जांपल भी लूंगा, चिंता मत करो, जब तक मैं पूरा नहीं कराता तो कोई क्वेरी मत पूछना आप। मान लो मेरे बैलेंस शीट में, मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट में मेरे पास डेटर गिवन है, कुछ भी गिवन है एक्स वाई जेड अमाउंट का, तो सबसे पहले तो मैं इसमें से माइनस करूंगा बैड डेट्स। कौन से, जो एडजस्टमेंट में होगा। ट्रायल बैलेंस वाला तो डेटर से माइनस ही नहीं होता, वो तो सीधा कहां पहुंच जाता है, पी एंड एल में। देखो बैड डेट्स में से सीधा पी एंड एल में पहुंच गया, बैड डेट्स माइनस करेंगे इसको। जब माइनस हम कर देंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट जनरेट होगा, और रिजल्ट जो जनरेट होगा उसे हम बैलेंस का नाम दे रहे हैं। जैसे कि मैंने 90,000 जनरेट किया था, जैसे 1 लाख में से 10,000 माइनस करने के बाद ये जनरेट हो गया। अब इसमें से क्या माइनस करना चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो माइनस करेंगे। इसके बाद फिर हमारा एक जनरेट होगा बैलेंस, बैलेंस अब हमें माइनस करना चाहिए, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फाइनली। तो देखो हम एक एक एंट्री कर चुके हैं इसकी, और ये जो होगा माइनस, एडजस्टमेंट वाला माइनस होगा ये, ट्रायल बैलेंस वाला कोई माइनस नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस में था तो देखो आपने एक एक जगह बोला सर पी एंड एल के क्रेडिट में डालो, पी एंड एल के डेबिट में डालो, लेकिन जब एडजस्टमेंट में तो मैंने बोला पहले तो भाई डेटर को सुधारो, आप डेटर में से सबको हटाओ और सही डेटर लिखो बैलेंस शीट में। इसके बाद क्योंकि ये इसी साल का है तो इस साल के लिए खर्चा होगा सारा, तो दूसरी एंट्री हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल का जो होता है वो कहाँ जाना चाहिए बताओ, जाना चाहिए डेबिट में, है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ दूसरा जो है ये भी कहां जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के कहां जाना चाहिए, डेबिट में। मैंने बोला था ना जो करंट ईयर में प्रोविजन बनाते हो वो तो आपको कंफर्म डाउट है तो उसे तो मानो ही डेबिट। आप जो लास्ट वाला डिस्काउंट है वो भी जाएगा पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। यानी देखा जाए तो एक तो सबसे पहले डेटर में से सबको माइनस करेंगे और उसके बाद पी एंड एल के डेबिट में दिखा देंगे। रूल भी चेक करते हैं, डेटर में से तीनों माइनस हो रहा है तो यानी क्या हो रहा है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट हो रहा है। रीजन, क्योंकि एसेट्स डेबिट में से माइनस हो रहा है, और दूसरा पी एंड एल के डेबिट में तीनों के तीन एंट्री को मैंने शो कर दिया, डेबिट मतलब टू साइड। अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम। मान लो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, ध्यान से देखिएगा आप। एग्जाम्पल, ये ट्रायल बैलेंस है आपका, एक एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें सारी जानकारी ना हो, अधूरी जानकारी को एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, यानी टुकड़ा। एक डेटर, डेटर मैंने दे दिया 1 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने दे दिया 5,000, मैंने दे दिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मैंने दे दिया 3,000, मैंने दिया बेड डेट्स मैंने दे दिया 2,000। ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर की बात है। अब बाहर जो भी होगा वो एडजस्टमेंट होगा, यहां लिख रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर वन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 10%।
पॉइंट नंबर टू, पॉइंट है तो मतलब क्या, एडजस्टमेंट है ये। एडजस्टमेंट नंबर टू, बेड डेट्स, बेड डेट्स 10,000। एडजस्टमेंट नंबर थ्री, प्रोविजन। फोर, डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल कितने परसेंट, ये भी मान लेते हैं हम 10% है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन में एक तो बैलेंस शीट में होगा एडजस्टमेंट, और एक होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूँ पहले। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, इसके नीचे मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेता हूँ, या बैलेंस शीट एक काम करते हैं, यहाँ प्रिपेयर कर रहा हूँ बैलेंस शीट, चलो इसी के नीचे देखते हैं। ये बैलेंस शीट है, आपको पहले देखना है, जब मैं पूरा करा दूंगा तब आप पूछना मेरे से कितने भी डाउट हो आपके, पूरा करने के बाद फिर पूछना है आपने। ये पी एंड एल, हमें ये क्वेश्चन करके दिखाना है, जितना हमने अभी तक सीखा है उस सबको यहाँ पे हमें लगाना है। अब देखते हैं, सबसे पहले एक एक आइटम हम ट्रायल बैलेंस में से खाली करते हैं। पहले डेटर है, कहाँ जाएगा डेटर बताओ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये मैंने बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखा डेटर, और डेटर अमाउंट 1,00,000। किसी को डाउट? दूसरा पॉइंट आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, कहां जाएगा ये? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां जाना चाहिए इसे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। अभी भी कुछ बच्चे डेबिट बोल रहे हैं, रटना नहीं है आपने। आप देखो मैंने सामने लिखा हुआ है, लॉजिक भी बताया कि जो ट्रायल में होता है वो पुराने वाला होता है, और यहां पे भी देखो ना आप, कहां गिवन है ये? क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएगा। तो पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, बाय साइड, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और अमाउंट है 5,000। सेकंड हो गया, थर्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट, यहां से भी पता चल रहा है हमें, और ये पी एंड एल में जाएगा, तो बाय साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 3,000। इसके बाद बेड डेट्स है, कहाँ जाएगा ये? प्रॉफिट डेबिट, देखो बैलेंस शीट में भी है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि ये भी डेबिट में ही है, तो ये बेड डेट्स को खर्चा ही है। बेड डेट्स, बेड डेट्स आपका 2,000। चलिए, ये किसको मैंने कंप्लीट किया? ट्रायल को। क्या एडजस्टमेंट अब छोड़ दें? करना तो पड़ेगा, एडजस्टमेंट में भी डिस्काउंट है और यहां भी डिस्काउंट था, क्या हम छोड़ दें? एक बार करके थक गए इसलिए छोड़ देते हैं? नहीं, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर ये तो सेम सेम दे दिया, एग्जामिनर ने मिस्टेक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ट्रीटमेंट हो गया, इन दोनों को आपस में मिक्स कभी भी मत करना आप। इसका अपना एक अलग लॉजिक के हिसाब से किया है, इसको मैं इस लॉजिक के हिसाब से दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, फिर है बेड डेट, फिर प्रोविजन। तो हमें डेटर में से पहले तो ये माइनस कर लेना चाहिए। सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से आप बताओ क्या माइनस करें। सबसे पहले बेड डेट्स, एग्जामिनर आपके साथ चाल चलेगा, नंबरिंग ऊपर नीचे देगा कि बच्चा पहले ये माइनस कर दे, फिर ये माइनस कर दे, ये पूरा गलत हो गया आपका। आपको सबसे पहले कैसे भी सीक्वेंस और अरेंजमेंट, पहले आपको बेड डेट्स ही माइनस करना चाहिए, प्रोविजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे जो कंफर्म है भाई ये पैसा देगा नहीं, उसको निकाल के बाहर करो। जैसे ए था, उसको निकाल के बाहर किया था, ठीक है ना? तो बेड डेट्स 10,000 रुपये निकाल के बाहर करो भाई इसे, और बचा हमारा 90। अब क्या माइनस करना चाहिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, भले ही ये तीसरे नंबर पे, लेकिन नंबर टू ही पोजीशन रहेगा इसका माइनस करने का। 10% है ये, 9,000, बचा हमारा 81। अब क्या माइनस करना चाहिए? लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 8,100, जो भी डेटर बचा 72,900, ये फाइनली बैलेंस शीट के अंदर रह जाएगा। आप बैलेंस शीट में करते थे ना डेप माइनस और बाहर रह गया, तो ये बच जाएगा। क्या डबल एंट्री कर चुके हैं हम एडजस्टमेंट की? क्या एक एंट्री कर चुके हैं हम? बिल्कुल, एक एंट्री डेटर में से माइनस किया तो एक एंट्री हो ही गया। डबल एंट्री की बात करते हैं, अब बताओ बेड डेट्स कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, लेकिन यहां पहले से बेड डेट्स है, तो क्या हम 8,000 दिखाएं यहां? क्या हम यहां पे 10,000 दिखा दें? या एक बार बेड डेट्स नाम लिख गया है, दोबारा लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है।
मतलब मैंने बोला ना, इसका एक अलग पहचान है, इसका एक अलग। तो बस हम आपको एक साथ दोनों नाम लिखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नाम बदल रहा हूँ। बैड डेट्स है ना, जो दोबारा वही काम बार बार करते हैं, उसको हम इंग्लिश में वर्ड, अकाउंटिंग वर्ड में नाम देते हैं फर्दर। तो ये जो बैड डेट्स होगा, ये है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने रुपए का? 10,000 का। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, मिक्स नहीं करना आपने, ट्रायल वाले को ट्रायल के हिसाब से और एडजस्टमेंट वाले को एडजस्टमेंट। चलो, इसका तो डबल एंट्री कर चुके हैं, अब इसकी बारी। इसे कहाँ दिखाना चाहिए? देखो, पी एंड एल के क्रेडिट साइड। एक बार में जवाब आ गया, पी एंड एल के क्रेडिट साइड। मैं यही चाहता हूं कि आप गलती मत करो। मैंने क्या बोला? एडजस्टमेंट में होगा तो कहां जाएगा? ध्यान से देखो, और जो एडजस्टमेंट में होता है वो इस साल का होता है, और इस साल तो अंदाजा लगा रहे हो तो डेबिट ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना? तो कहाँ दिखाएंगे? पी एंड एल के डेबिट साइड। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोलते हैं, सर हमें अच्छा नहीं लग रहा है इसको देख के एक डेबिट एक क्रेडिट नाम सेम, ऐसा कैसे हो गया? करना पड़ेगा। बुक वाले ये अच्छा नहीं लग रहा देख के, इसलिए बुक वाले पता है क्या करते हैं, क्रेडिट में 5 डेबिट में 9, वो डेबिट में 4 लिख देते हैं। क्रेडिट में लिखते ही नहीं, डेबिट में क्या करते हैं, वो 4 लिखते हैं। कई बार बुक वालों का इधर देखोगे इधर देखोगे, आप हो जाओगे कंफ्यूज। लेकिन आप सिंपल से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, भाई ट्रायल में हम इधर लिखेंगे ये इधर, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर पॉइंट टू पॉइंट मैच कर लोगे, नेट प्रॉफिट सेम रहेगा। समझ में आ रहा है बात को? आपको बुक में कितना भी मन करे कि भाई बुक वाले को जैसा कर लेंगे, लेकिन आपने ये फॉलो करना है सिंपल, कि जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन होगा कहाँ लिख देंगे, और जो पी एंड एल के जो एडजस्टमेंट में है बस, और कोई दिमाग ज्यादा मत लगाना। चलो, दो एडजस्टमेंट हो गया, तीसरे एडजस्टमेंट को क्या करना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि क्या है ये? एडजस्टमेंट है और ये इस साल का है, तो ये लो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 8,100। क्या मैंने डबल एंट्री कर दिया? ट्रायल बैलेंस में कर दिया। तो देखो, पी एंड एल में सिर्फ आपको दो ही चीज दिख रहा है, तीन आइटम, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल और डिस्काउंट, और तो कुछ दिख नहीं रहा आपको फिलहाल। तो कंफ्यूज मत होना, सर इधर भी डिस्काउंट, इधर भी डिस्काउंट, इधर भी, भाई ये ट्रायल वाला है ब्लैक वाला, तो ब्लैक वालों को तो ट्रायल वाले को तो ट्रायल के हिसाब से करेंगे, एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट। मिक्स मत करना बस इस कॉन्सेप्ट को। बुक वाले नेट एंट्री करते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं करना, आप सिंपल। तो बुक को छोड़ो, हमें समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्यों डेबिट किया? इस साल मान रहे हैं तो भाई इस साल का अजम्पशन तो खर्चा ही मानेंगे। क्रेडिट क्यों हो रहा है? पिछले साल अजम्पशन माना था कि ये खर्चा हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं पाया, तो इस साल रेक्टिफाई करो ना क्रेडिट करके। पिछले साल ज्यादा आपने इनकम को कम दिखाया था, इस साल आप क्रेडिट करके इनकम को ज्यादा दिखा दो, बात बराबर हो गई आपकी। यही करते हैं। तो ये था हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तीनों मिक्स करके आए। अगर ट्रायल में हो तो कैसे करें, और इससे रिलेटेड मैंने एक क्या करा, एग्जाम्पल लेके भी कर दिया। अब किसके क्या क्या डाउट है पूछ सकते हो? किसी का कोई डाउट है इसमें? कोई क्वेरी पूछ सकते हो, ए बी सी डी जो भी डाउट हो आपको, कोई डाउट नहीं। अब साफ साफ सुंदर, हाँ बताओ। डेबिट में लिखा है, ट्रायल में पिच। प्रोविजन का मतलब होता है अंदाजा, ठीक है ना? प्रोविजन बनाना मतलब चौकन्ना होना। तो पिछले साल हम चौकन्ने हुए थे कि इतना हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता था, लेकिन इस साल पता चला ये लो उतना तो दिया ही नहीं, तो पिछले साल ज्यादा खर्चा मान लिया ना, तो रिवर्स एंट्री करके इस साल कर देते हैं, ठीक है ना? तो अब किसी का डाउट? अब साफ साफ जो पॉइंट अभी आपको समझ आए, अपने लैंग्वेज में जो भी लिखते हो जैसे भी लिखते हो लिख लो रजिस्टर में, और लेकिन साफ साफ नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बार बार आप मिस्टेक करते हो इस एडजस्टमेंट में, और एग्जाम में जरूर आता है ये एडजस्टमेंट, तो फटाफट नोट करिए। तो आप